ओम शांति। बाबा ने कल बोला नॉलेज फुल बन गए, अभी बनना है पावरफुल। आज की बाबा की वाणी भी पूरी पावर के ऊपर है। अगर मैं पावरफुल हूँ, पावरफुल की निशानियां क्या, पावर का स्वरूप कैसा हो। 12 तारीख की मुरली है, मीठे बच्चे महावीर बनो। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। नीचे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। अगर मैं पावरफुल हूँ तो कोई भी पेपर आते हुए भी मेरी स्थिति कैसे होगी, अचल अडोल। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी ब्रह्मा बाबा कभी रंज नहीं हुए। ढूंढ के निकालना आज मुरली में से पावर होने की निशानियां क्या। बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी ब्रह्मा बाबा कभी रंज नहीं हुए, क्यों? रंज होना, सेट हो जाना, कोई परिस्थिति आने पर मेरा माना मेरी पावर वीक है, मैं कमजोर। पावरफुल हूं तो मैं कभी रंज नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को नशा था कि हमें बाबा से वर्षा लेना है। जितना नशा है उतनी हमारी पावर बिल्ट अप होती, जिस घड़ी हमारा नशा खत्म हो जाता है फिर से हमारी पावर डाउन हो जाती। तो ब्रह्मा बाबा को नशा था कि हमें बाबा से वर्षा लेना है, यह तो सब कल्प पहले माफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। एक है नॉलेज, नथिंग न्यू। दूसरा है पावरफुल स्टेज, नथिंग न्यू वाला। कल पहले भी ऐसे ड्रामा बना था, अभी भी ऐसे चल रहा है, नथिंग न्यू। गलतियां तो सबसे अधिक बाप को, सॉरी, गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली दे देते हैं। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। अब ये भी पावरफुल स्टेज की निशानी, अगर मुझे कोई गाली देता है, कोई मेरी इंसल्ट करता है, हम कहते हैं कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता है, अगर मेरी पावरफुल स्टेज है तो मुझे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं है तो जरूर गाली तो देगी ना, इसलिए कभी कोई भी बात में रंज नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा नहीं हुए तो हमको भी नहीं होना चाहिए, फॉलो फादर कर। गीत है, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों का गीत है, ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता है न बजाया जाता है। भावा कहते ज्ञान मार्ग में गीतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है बाबा से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। पावर है तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति स्टेज है, पावर नहीं है तो कितना भी कोशिश करो यह ज्ञान बुद्धि में घुमाते रहो तो जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति नहीं। अब तो अब बाबा जो चाहता है हमारी वो पावरफुल स्टेज हो जाए। इसमें गीत आदि कोई की भी बात ही नहीं है,
तुम जानते हो हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती है। बच्चे कविता आदि बनाते हैं यह भी औरों को सुनाने के लिए, वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पावरफुल आत्माएं सदा खुश रहें। देखो आज पूरी मुरली निशानियां हैं पावरफुल आत्माओं। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। पावर आती है कैसे? स्मृति स्वरूप बनने से। कौन सी स्मृति? कि हम स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती होता है। कल बाबा ने दो बातें कही, एक है निश्चय, दूसरा नशा। निश्चय कई बारी होता है बुद्धि में, पर जब तक वो दिल में नशा समाता नहीं है तब तक पावर नहीं बनी, और जब तक पावर नहीं बिल्ट अप होगी तब तक मेरी विजय नहीं हो सकती। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। किसके लाइफ में नहीं हुए? भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध में झगड़े चले। वो पावरफुल स्टेज की परख ही कैसे हो सकती है जब तक कोई तमाशा नहीं? स्थिति कैसे पता चले भाई ये पावरफुल आदमी? मापदंड तो कोई होना चाहिए। हंगामा होगा, बाबा कहते भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो। तो यज्ञ में तरह तरह के पेपर्स, जो ब्रह्मा बाबा को फेस करना पड़ा वो हमको भी फेस करना पड़ रहा है। शादी बिगर काम कैसे चलेगा? गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो वह गीता पढ़ना भी छूट गया। निश्चय आया तो नशा चढ़ा। यह तो शिव भगवान वाच्य है तो उस गीता को छोड़ दिया। और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे? इसमें तो बहादुरी चाहिए। पावरफुल आत्माएं मीन्स बहादुरी। कोई भी बात है, कोई घटना है, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। बाबा कहते हैं तुम तो हो ही महावीर और महावीरनी, सिवाय एक की और कोई की तुमको परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे मेरी पावरफुल स्टेज बनानी है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, एक बाबा के सिवाय। पुरुष है रचयिता, रचयिता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं?
क्रिएटर तो झट हुकुम करेगा हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको मिला ज्ञान तो बोले वाह, बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो हम क्यों नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी की बात चल रही। जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर फिर बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकली, कोई की भी परवाह नहीं। पावरफुल होंगे तो किसी की परवाह नहीं होगी, एकदम फियरलेस। अब ऐसे आत्माओं की बाबा को यज्ञ में जरूरत, जो आदि में जिस रीति से आत्माएं निकली थी, जिनको केवल एक बाबा की परवाह थी, बाकी किसी की नहीं। तो आदि सो अभी अंत, तो मिसाल बता रहे हैं ना बाबा, बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकली, कोई की भी परवाह नहीं की, जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी नहीं सकेंगे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो, इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। पावर नहीं है तो हिम्मत नहीं, पावर नहीं है तो निर्भय नहीं। डर लगेगा, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। अब उसमें लौकिक भी आ गए, अलौकिक भी होंगे। अलौकिक में भी अलग अलग लोगों के मतभेद। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी भी रंज हुआ नहीं देखा। रंज होना माना वीक सो, डिस्टर्ब हो जाना, अपसेट हो जाना, माना वीक। चेक करो ये क्राइटेरिया बाबा बता रहा है। आज मुरली तो हम सुन लेते हैं, बाबा ने कहा नॉलेजफुल सभी बन गए, पावरफुल कितने बने, चार्ट चेक करो। आज मुरली में पूरा चार्ट आया है। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। अब सोचो ये सारे पेपर्स अगर मेरी लाइफ में आए तो हंगामा हो जाए, अखबार में नाम डाल दे, समाज वाले बोले, अपने लौकिक वाले बोले, अलौकिक वाले बोले। उस समय मेरी स्थिति क्या रहती, किसी ने इंसल्ट कर दिया, किसी ने नीचे गिरा दिया, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। बोलना बहुत इजी है, नथिंग न्यू। ये तो कलप पहले माफिक होता है, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। दादी हमेशा कहती थी अगर आप सच्चे हो, बाबा के साथ वफादार हो, तो क्या डरने का और किससे डरने। सच तो भी तो नच, बेपरवाह होंगे, शक्तिशाली होंगे। हमको तो अपने बाबा से वर्षा लेना है बस। हम यज्ञ में क्यों आए हैं, अपना काम करने। किसी के पीछे जाएंगे, किसी को करेक्शन करेंगे, किसी को सुधारेंगे, पावर कम हो जाए। कोई अभी चेंज नहीं होता है, भगवान की मुरली से चेंज नहीं हुआ तो हमारी बातों से क्या चेंज। फोकस अपने पे रखो बस 100%। मुझे सुधरना है, मुझे बदलना है, हमको बाबा से वर्षा लेना, अपनी रचना को भी बचाना है, पुरुषार्थ करना है।
ताकि उनका कर्म। बाबा जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित बन गई। कितना पतित बना हो गया वर्ल्ड, किसको बोलेंगे ये इस ये कितने लोगों पे अंगुली उठाए, सारे पतित है बाबा के पे। इसकी बात करना, बाकी मुझे पावन बनना है। लक्ष्य पक्का रखो, बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण मैच होने चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या है, मैं यह यज्ञ में क्यों आया हूं, मुझे अपने को शक्तिशाली बनाना है, मुझे अपने आप को देवी स्वरूप में लाना है, मुझे अपने आप को देवता बनाना है। कोई बने नहीं बने उसकी चिंता मुझे नहीं करनी, मुझे पावन बनना है। कौन कितना बनता है, कौन कितनी धारणा करता है, वो धारणा करे या नहीं करे, मुझे मेरी धारणा खराब नहीं कर, मुझे उसके साथ बुरा नहीं चल, मुझे रंज में नहीं आना, मुझे नाराज नहीं होना। यह है पावरफुल स्टेज। किसी से भी रंज नहीं था, हाँ अनबन होती है, विचारों में मतभेद होता है, एक दूसरे को समझा के सॉल्व कर, बाकी गुस्सा होकर के बैठ जाना पावर नहीं। बाबा को ही सब कहते हैं हे पतित पावन, क्रिएटर लिबरेटर आओ, तो उनको तरस पड़ता है ना, बाबा कहते हैं मुझे तो सबको पावन बनाना है, रहम दिल पाप है, तो बाबा समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में तुम डरो नहीं। बाबा बैठा है, क्यों डरते हैं, डरने से इतना ऊंचा पद पा भी नहीं सकेंगे। अत्याचार माताओं पर भी होते हैं, यह भी निशानी है, द्रौपदी के चीर हरे, बाबा 21 जन्मों के लिए तुमको बचाते हैं। पावर होगी तो खुद को भी बचा सकेंगे, दूसरे को भी बचा सकेंगे। दुनिया इन बातों को तो जानती ही नहीं है, सदगति दाता तो मैं ही हूं, जब तक मनुष्य दुर्गति को न पाए तब तक मैं कैसे आकर सदगति को। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ही हम उसको चार्ज करने पर रखते हैं, बाबा के इस समय सबकी बैटरी डिस्चार्ज है। तमो प्रधान पतित सृष्टि भी बननी है, हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है, पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है, नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव नई ही तो रह नहीं सकती है कोई भी चीज, बाबा के सदैव तो नई नहीं रहे। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है, देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है, ऐसे प्योर देवी देवता है। अभी देखो नवरात्रि चल रही है, बहुत अच्छा ही है ना, प्योर टाइम चल रहा है, सब जगह देखो आरतियां चल रही है, बेचारा बाहर का शोर बंद हो गई तो धमाल था, लेकिन घरों में लोग एकदम सात्विकता ला रहे हैं। इतने सारे लोगों ने मुझे फोन किया, दीदी इस बार हमने नवरात्रि घर में रखी, देवी का आगमन हो रहा है, आवाहन हो रहा है, हमारा घर एकदम प्योर हो गया, डिवाइन एटमॉस्फेयर हो गया घरों में, कितनी अच्छी बात है। हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है, पुराने घर को छोड़ना होता है, नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव नहीं तो रह नहीं सकती है। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है, देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है, तो बाबा कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुना रहा। यहाँ रावण राज्य में तो बहुत दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है यह किसी को पता ही नहीं, राम राज्य किसको कहा जाता है पता ही नहीं, समझ ही नहीं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य किया
और फिर गवाया, पावर थी तो राज्य कर रहे थे, पावर खत्म हो गई तो गवा दिया, सब खत्म हो गई, कंगाल, दुखी, अशांत। यह सबकी बुद्धि में है, 21 जन्म सतयुग में रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है, पावर है तो अकाले मृत्यु नहीं है, निशानी है। मैं मुरली पढ़ रही थी, मैंने कहा वाह बाबा कैसे ना एकदम लाइन में एक के बाद एक मुरलियां देते। अभी तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन, पावरफुल है तो त्रिकालदर्शी स्टेज। अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, रावण राज्य में भी भपका देखो कितना है, यह है पिछाड़ी का भपका। राम राज्य सतयुग में होगा, वहां यह विमान आदि सब थे, फिर यह सब गुम हो गए, फिर इस समय ये सब निकलेंगे। अभी तुम सब सीख रहे हो, जो सीखते हैं वह संस्कार फिर साथ में ले जाएंगे। अभी क्या सीख रहे हो, पावर कैसे बिल्ट अप करना, स्पिरिचुअल अपने पावर्स को कैसे एक्टिवेट करना, डिवाइन शक्तियां, दैवी शक्तियां, इसको निकालो बाहर बाबा, है अपने अंदर ही है। द्वापर से लेके सब डिवाइन शक्तियां खत्म, अब वो देव्यता लाओ, देवता जैसे मंदिरों में हम देखते हैं, विचार दिन कैसे हमने विश्लेषण सुना, दुर्गा, अम्बा, काली, लक्ष्मी, फिर आकर वहां विमान तुम बनाएंगे, यह तुमको भविष्य में सुख देने वाली साइंस। पावर है तो साइंस कभी तुमको दुख नहीं देती, पावर खत्म हो गई तो साइंस भी फिर हमको दुख देती। तुम ऐसे करेंगे ना तो सब शांत हो जाए, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई परेशानी नहीं। सिर्फ देखो देवी देवताओं, लक्ष्मी नारायण कैसे ऐसे जाएंगे हाथ से कर, ब्लेसिंग्स सबको बोल्ड। यह विमान आदि भारतवासी भी बनाते हैं, कोई नई बात नहीं है, अकलमंद तो है ना, यह साइंस तुमको फिर काम में आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहां वह साइंस सुख के लिए होगी, वहां तो हर चीज नई हो जाएगी, अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चों को महावीर बन, क्या कह रहे बाबा, महावीर बनना है, पावरफुल बनना है, फुल बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए। बस अभी ये 9 दिन का, अभी तो कितना 6ठा दिन है, ऐसा पावरफुल, अभी 3 दिन और है, फिर दशहरा, दुनिया में या कोई भी थोड़ी जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, करके गाली देंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, मनुष्य आत्मा ही कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है, भगवान बोल रहा है, भगवान बना रहा है, भगवान ने चुन लिया, भगवान शक्तिशाली बना रहा है, भगवान देवता बना रहा है, लोगों की क्या चिंता। गाली इनको भी तो बहुत दी ना, किसको छोड़ा यज्ञ में, इसको छोड़ा जाता है, और जब तक नहीं वो बोलते ना वो मूर्ति तैयार करने के लिए ठा ठा ठा, छोटे भी बोलेंगे, बड़े भी बोलेंगे, भाई बहने भी बोलेंगे, टीचर्स भी बोलेंगे, घर वाले भी बोलेंगे, ठोको अच्छा है ना, ठोक रहे पता चले मेरी स्थिति क्या है, ये पेपर आया इसको मैंने कैसे क्रॉस किया, मजा आता है देखो अपने आप। कृष्ण ने भी तो गाली खाई, वो बेचारा तो संपूर्ण पावर,
आत्मा भी पावन, शरीर भी पावन, उसको भी गाली दी। हम तो अभी पूरे पावन बने नहीं है, शरीर तो इम्प्योर ही। अब कृष्ण तो गाली खा भी ना सके, कृष्ण तो गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप तो जो अभी है, फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में तो हो ना सके। जन्म बाय जन्म तुम्हारे फीचर्स भी बदली होते जाते हैं। कैसे बाबा धीरे धीरे करके हमको एकदम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में ले जाते। अभी ये फीचर्स अभी ये है, फिर दूसरे जन्म में जाएंगे। कोई लड़का होगा तो लड़की बनेगा, लड़की होगा तो लड़का, कोई इंडियन होगा, कोई चाइनीज होगा, कोई येलो होगा, कोई छोटी आंखें होंगे, कोई बड़ी आंखें होंगे, टॉल होगा, कोई दूसरे जन्म में शॉर्ट हो जाएंगे कोई एकदम निग्रो बन जाएगा, काला बन जाएगा। फीचर्स चेंज हो जाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो जो जैसा जैसा चोला धारण किया हो वैसा ही करेंगे। अभी तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल, दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे, तुम्हारे भी फीचर्स चेंज हो जाएंगे। पावर बिल्डअप करो, तुम्हारे सारे फीचर्स चेंज हो जाएंगे, आंख नाक कान मुख सब चेंज होता जाएगा, पावर बढ़ती जाएगी। तुम्हारी बुद्धि का ताला अभी खुल रहा है, ये सारी नई बातें हैं जो बाबा बताते। बाबा भी नया, बातें भी नई, यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएंगी। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। भगवान को रोज प्रार्थना करो। जी देखा जाए तो हम ये बोल नहीं सकते शब्द, लेकिन कभी कभी कर लेना चाहिए। भगवान हमारी तकदीर अच्छी है, महावीर कोई तूफान से डरेंगे। आप सभी कौन हो? महावीर ये कमजोर, किसी ने कुछ बोल दिया थोड़ा, एक ऐसे बोलते ऐसे पत्ता हिला तो बैंड बज जाती है, हवा ऐसा झोंका आया ओ स्थिति खराब। इतने नाजुक, वो मिसाल बता छुई मुई, हाथ लगाओ, हमारे सेंटर में है कलवा सेंटर, मैं कभी कभी जाके उसको देख लेती हूँ ऐसे कैसे वो बंद हो जाए, हाथ लगाओ ऐसे बंद हो जाए, इतना नाजुक नहीं बनना चाहिए। किसी के एक शब्द से हम पूरा बीपी हाई हो गया, रात भर नींद नहीं आई। बेचारा भगवान इतना बोलता है उसका असर ही नहीं है। कैसे पावर बने? महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होंगे। अब बाबा कितनी बार बोलते हैं पिछाड़ी में होंगे, पिछाड़ी कौन सी, अभी तो आ गई ना पिछाड़ी, अभी और कौन सी पिछाड़ी बाकी, लास्ट समय तो चल रहा है, अभी ये स्टेज हो जानी चाहिए। इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय, सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछ। पावरफुल है तो अतीन्द्रिय सुख में। बाबा आई है तुम बच्चों को स्वर्ग के मालिक बनाने के लिए। कल पहले मिसल नर का विनाश होना है, स्वर्ग में तो एक ही धर्म है। ये भी ताकत है, बाबा कई बार बोलते हैं रिलीजन इज माइट, लेकिन वो रिलीजन में माइट आई कहां से? संगम पर हमने जो बाबा से पावर ली है उसके आधार पे वो धर्म में ताकत आ गई, तो एक धर्म चला। चाहते भी है वननेस हो जाए ना, एक धर्म हो जाना चाहिए। अभी किसको पता ही नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग होता है। यहाँ विकार विकार जन्म हो न सके, मूत पलीती है ना। अब बाबा में निश्चय है तो तुमको श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े। अरे की नब्ज भी देखी जाती है, रावण ब्रह्मा बाबा ऐसे देख के ही पता चलता ये आत्मा कैसी है, कितनी पावर है, कितनी बैटरी डिस्चार्ज है। मोबाइल में भी हम चेक करते हैं ना, ऊपर ग्रीन और रेड आता है ना उधर,
तो हमारा क्या है, पूरे दिन भर ग्रीन होता है कि रेड हो जाए, खुद का खुद को पता होना चाहिए। उस अनुसार फिर हर एक को राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो, वो तो समझ देता है। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे तो हर एक की रफ नब्ज भी देखी जाती। पूछते हैं, बाबा ये हालत है हमारी, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, अभी हमें क्या करना है? यह पूछते हैं, पवित्र रहना है। लेकिन फिर हर एक की नब्ज देख करके उसको राय दी जाती है। हर एक डिफरेंट है। अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो, अच्छा समझो किसकी सगाई हो गई, राजी करना है, हर्जा थोड़ी है। बाबा किसी किसी को छुट्टी भी दे देता है, हर्जा थोड़ी है, कि बाबा जानता है ये बहुत पावरफुल है सोल्स। हथियाला जब बांधते हैं तो कहते हैं ये तुम्हारा पति गुरु है, अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, मानती हो कि मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो, अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ तुमको पवित्र रहना है ना। बाबा युक्ति से चलता है, ऐसे कई गंधर्व भी विवाह करते हैं। हिम्मत होनी चाहिए, मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, सबको दिखाना चाहिए, मिसाल हो जानना चाहिए यज्ञ के स्पिरिचुअल पावर्स का। प्राप्ति तो बहुत जबरदस्त है, आग जब लगती है तब प्राप्ति का पता ही नहीं चलता है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है तो एक जन्म पवित्र रहो तो क्या बड़ी बात है, हम तुम्हारा पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा ऐसे युक्तियां बताते रहते हैं और हर एक के लिए युक्ति अलग अलग, एक ना मिले दूसरे से। आप कहेंगे उनको ऐसा बोला हमको ऐसा बोला, सॉरी, क्योंकि हर एक आत्मा का बैकग्राउंड अलग है, हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग है, हर एक आत्मा का पद अलग है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख करके हर एक को राय दी जाती है। इसलिए कभी भी ना आप राय नहीं दिया, बड़ों से वेरीफाई करो कि हम इनको ये राय देते हैं इनके लिए अच्छा है या नहीं। हम तुम्हारा पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर, उनकी आज्ञा पर चलना है, पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए। अब कहा देखो लक्ष्मी ने नारायण के पांव, अब सतयुग में कोई नारायण थकेगा जो बैठ के लक्ष्मी पांव दबाए? यह आदत कहाँ से निकली है, इन झूठे चित्रों से? सतयुग में तो ऐसी कोई बातें होती नहीं है, नारायण कब थकता है क्या जो लक्ष्मी बैठकर पांव दबाए? थकावट आना माना कमजोर, पावरफुल सोल्स कभी थकेंगे नहीं। अगर मैं थक जाता हूँ इसका मतलब मैं वीक, थकावट की तो बात वहां होती नहीं, या तो दुख की बात हो जाती है, थकावट आई माना दुखी हो गया, दुख आना, थकावट आना, रंज हो जाना, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन आना, अपसेट हो जाना। बाबा कहते ये सब वीक सोल्स। वहां दुख कहाँ से आया तो कितनी झूठी बातें लिख दी हैं। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसे भक्ति करती थी। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं, कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई। कोई कोई ऐसे कुमार होते कहते घर का प्रॉब्लम बहुत है, खाना वाना पकाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, कर लो बाबा कहते हैं।
फिर कोई कुछ कर ना सके, आपस में मिल करके फिर पवित्र भी रहो। ऐसे बहुत सारे हैं आपस में मिलकर पवित्र भी रहते हैं, कंपेनियन होकर के रहते हैं। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख लेते हैं, सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाते हैं। अब तुम जानते हो हर एक बाबा के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो। दादे से वर्षा ले रहे हैं, बाबा को बुलाते ही है पतित पावन, आओ सब सीताओं के राम आ जाओ। मनुष्य राम राम जपते रहते हैं तो सीता को थोड़े ही याद करते हैं, हाँ उनसे बड़ी तो लक्ष्मी हो गई, परंतु याद तो एक बाबा को ही करना है। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते ही नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाबा भी बिंदी होगा ना, आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो, ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही। अच्छी पॉइंट बाबा बताए, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही, फिर ज्ञान का सागर बनते बनते ज्ञान स्वरूप में लाते लाते क्या बन जाएगी, पावर का सागर बन जाएगी, पावरफुल बन जाएगी। सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिलता है। बच्चों को बहुत हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है बस। सुना बच्चे, लक्ष्य पक्का रखो, आगे पीछे अभी देखना नहीं, किसी को देखना नहीं, बस सीधा आप जिसे बोलते ना फिनिश लाइन पे हम आते, तो क्या है पूरा हमारा जो ध्यान होता है ना, बस हमारा मंजिल पे होता है, एंड पॉइंट पे कैसे पहुंचे। अब वो टाइम आ गया, बस एंड पॉइंट पे मुझे पहुंचना है। और एंड पॉइंट क्या बताई बाबा ने, मुझे बाप समान बनना है, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे अपनी दैवी शक्तियों को जागृत करना है। बस आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई फलाना ऐसा ढिमका ऐसा, भूल जाओ सब बात। भवानी का पावर का कोर्स करो, फोर्स का कोर्स करो। बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर का मालिक बनाने आया है। बाबा कहते हैं तुम भी अपना अपनी रचना को हाथ में रखो ना, अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं है, कपूत ठहरा। अगर मुझे मेरे बच्चों को कंट्रोल करने नहीं आता है, कारण क्या है, मेरी पावर कम, सिंपल बच्चों के सामने। दोष बच्चों का नहीं है, दोष मेरा है। आज्ञाकारी फरमान बरदा बच्चा हो तो बाप वर्से का हकदार बन सकता है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाएंगे, नहीं तो तुम प्रजा बन जाएंगे। बाबा तुमको नरसिंह नारायण बनाने आया है, यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। कितने साल हो गए हम ऐसी कथा सुन रहे हैं बाबा। अब बाबा क्या चाहता है, नॉलेज फुल तो बन गए हो, कथा सुनते 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 सब दादियां भी चली गई। तुम राजाई प्राप्त करने आए हो ना, अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी तो ऐसी हिम्मत करो ना, जो दादियों ने हिम्मत रखी तुम क्यों नहीं रख सकते। दादियां करके गई ना, दिखाया ना, हर एक का प्रॉब्लम आया ना, तन का प्रॉब्लम आया, देखा हमने लास्ट घड़ियां कैसे थी। तुम भी हिम्मत करो, बाबा जरूर आप समान तो बनाएंगे ना, लक्ष्य तो एक ही है, सबको बाबा जैसा बनना है, पावरफुल बनना, कर्मातीत बनना। प्रजा बनने में ही राजी नहीं हो जाना चाहिए। और कोई हाथ उठाता है क्या, भाई मैं प्रजा बनूं, कोई रेडी है, अभी आप लोग कोठे हो, रेडी हो आप लोग,
शरद करना है, हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे, वारी जाएंगे। बस एक बाबा दूसरा न कोई, वारी जाएंगे। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो यह तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाती है, बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, पावर बढ़ानी है उसके लिए पुरुषार्थ है, बाबा ये तन मन धन जन जो भी है सब आपका है। जब आपका बोला ना तो उसमें पावर आ जाए। आप बाप भी हो हमारे तो आप हमारे बच्चे भी हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एक बाबा की महिमा कितनी बड़ी है, दुनिया में इन बातों का किसी को पता ही नहीं। भारत की ये सारी बात तुम बच्चे जानते हो, यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई चल रही। ऐसे ही हम लोग 5000 वर्ष पहले बैठे थे, माया से हमने हार खाई थी, फिर अभी माया पर जीत पा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर से मिलेंगे। मजेदार है ना, भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस आज एक भी स्मृति रखी ना मुरली में से, पावरफुल स्टेज हो जाए। मैं सोच रही थी आज अब पावर का एक क्लास करेंगे, पर मुरली इतनी अच्छी थी, मैंने कहा और क्या मैं बोलूं, बाबा ने सारी पॉइंट्स कवर कर। तो तुम बच्चों का बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, बेहद का बाप है ना, ज्ञान का सागर है, हमको सारी सृष्टि की आदि मध्यम का राह समझाते हैं। जो बाबा को ही नहीं जानते वह तो नास्तिक ठहरे। तुम बाबा को और रचना की आदि मध्यम को जानते हो, तुम हो आस्तिक। आस्तिक लक्ष्मी नारायण आस्तिक है व नास्तिक है, क्या बोलेंगे? लक्ष्मी नारायण आस्तिक है व नास्तिक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्या है लक्ष्मी आस्तिक है व नास्तिक है? लक्ष्मी नारायण आस्तिक है कि नास्तिक? लक्ष्मी नारायण आस्तिक है। बाबा कहते देखो तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को तो कोई याद ही नहीं करते हैं, वहां है ही सुख, तो सुख में परमात्मा का सिमरन नहीं करते क्योंकि परमात्मा को तो जानते ही नहीं। इस समय तुम आस्तिक बनकर बाबा से वर्षा ले रहे हो, फिर वहां याद ही नहीं करते हो, यहाँ याद करते हो परंतु उनको जानते नहीं हो, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। तुम जानते भी नहीं हो, वहां तो जानते भी नहीं है और याद भी नहीं। उनको यह भी पता नहीं होगा कि ये वर्षा हमको शिव बाबा से मिला संगम पर, हम पिछले जन्म में थे ऐसे संगम पर, वर्षा शिव बाबा से मिला, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहें, आस्तिक भी नहीं कहेंगे, नास्तिक भी नहीं। लक्ष्मी नारायण क्योंकि वो है ही पावन, पावन है तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान नहीं है तो आस्तिक नहीं है, पर पावन है तो नास्तिक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर नास्तिक होते थे तो पावन नहीं होते थे, सिंपल सी बात है। अच्छा क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण आस्तिक है कि नास्तिक? अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्री मन पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है, पावर बिल्ट अप होती ही है रूल्स फॉलो करने से, श्रीमत पर पूरा चलने से। अगर किसी को कोई बात के लिए श्रीमत समझ में नहीं आती है
तो मुरली को अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं करो, अपने स्वार्थ के हिसाब से। ये मुरली में बाबा ने ये बोला था, ये मुरली में बाबा ने ये बोला था, नहीं समझ में आता है, बहनों से वेरीफाई करो, ये परिस्थिति है, ये हालत है, ये सिचुएशन है, मुझे इसमें कैसे रहना चाहिए। दादियों का मिसाल सामने रखो, दादियां कैसे बनी, ब्रह्मा बाबा कैसे बना, नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अभी अटेंशन दो, मिनट मिनट अपने पर अटेंशन दो, मेरी अभी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो, फुल चार्ज रहे। किसी भी बात में तुमको डरना व रंज नहीं होना, नाराज नहीं। जो नाराज होते हैं ना, हाँ अपने को प्रोटेक्ट करना है, सेफ करना है। आपको लगता है कोई भाई या कोई बहन या कोई फैमिली मेंबर, उसके सामने जाने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अपसेट हो जाते हैं, किनारा कर। पर अपने को रंज नहीं होनी। दूसरा, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। राय देना हमारा कर्म है, लेकिन फिर भी उनके कर्म और उनकी प्रालत को साथ लेकर के आई है आत्मा। हरे का पाठ है, हरे की जर्नी है, हरे का पद है। ये तो ये जन्म में हम माँ बेटे बने, माँ बच्चे बने, जो भी बने रिश्ता, हर जन्म में थोड़ी है। कहाँ से आत्माएं, क्या क्या, कौन से माँ बाप मिले होंगे उनको अगले अगले जन्म में। हम ये जन्म में उनका सोचते हैं भाई एक साथ सारे विकर्म उनके विनाश कर दें, पॉसिबल नहीं है। हाँ बाकी राय देना हमारा फर्ज निभाओ, बस फर्ज निभाने के बाद रंज नहीं। मैं बच्चे मानते नहीं, जरूरी नहीं है माने, उनकी अपनी समझ है, आपकी अपनी समझ। वरदान, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाना, लगाने वाले नष्टो मुहाव। एकदम शरीर भी ना अभी प्योर हो जाना चाहिए, बस देवी देवता माना क्या, यहाँ पे आपको फीलिंग आनी चाहिए मेरा शरीर डिवाइन हो रहा है, आंखें डिवाइन, मुख डिवाइन, चाल चलन डिवाइन, सभ्यता आ जाए, रॉयल्टी आ जाए। नहीं बाबा ने कल मुरली में बोला ना, दो तो 5-6 दिन पहले, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, संस्कार आ जाए, सबके साथ तालमेल हो जाए। जैसे कोई भी अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत होगी, गिफ्ट है, गॉडली गिफ्ट है। रिस्पेक्ट करो अपने शरीर का, अब्यूज नहीं करो, कई ऐसे ऐसे टॉर्चर करते अपने शरीर नहीं करो। यह अमानत रूहानी बाबा ने दी है तो जरूर रूहानी बाबा की तो याद रहेगी, अमानत समझने से रूहानियत आए, जिससे वो फूल की तरह। सत्युग में हमारा बॉडी कैसे हो, नेचुरल फ्रेग्रेंस निकलेगा, खुशबू निकलेगी, इतनी प्योरिटी होगी, अंग अंग रूहानी हो जाएगा, फूल हो जाएंगे सेंस ऑर्गन्स। अमानत समझने से रूहानियत आए, और रूहानियत आएगी तो ये परिवर्तन आए जो बाबा बताते, निशान परफ्यूम होगा शरीर। अपनेपन की ममता नहीं रहे, एक वस्त्र रहे, धारण किया छोड़ना, यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो, बस एक ही धुन आज बाबा की है, रूहानियत प्रत्यक्ष करो, शक्ति को प्रत्यक्ष करो, अपनी दिव्यता को प्रत्यक्ष करो, बस अभी इसको एक्टिवेट करो। जैसे हम कई बार बोलते हैं सॉफ्टवेयर है, पर इसको हमने एक्टिवेट नहीं किया है। नहीं, कंप्यूटर में कई बार ये प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर है पर हमने एक्टिवेट ही नहीं किया,
उसको रन करना पड़ता है सॉफ्टवेयर, डाउनलोड हो गया कंप्यूटर में भी है, एक्टिवेटेड नहीं। एक्टिवेट करने के लिए कोड लगता है, कोड डालो तो एक्टिवेट होता है, ऐसे ही नहीं होते हैं। उसी प्रकार से हमारा भी है, बाबा हर एक को एक कोड देता है, कोड देता है माना मुरली के एक पॉइंट बुद्धि में, अरे इनका तो कुंडलिनी जागृत हो। अब कौन सी पॉइंट हमें टच होती है वो हर एक को अपना देखना, किस मुरली की पॉइंट से मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरा एक्टिवेशन हो गया। इसलिए रोज वफादारी से मुरली सुनो, पढ़ो बैठ के बाबा क्या बोलता है। मेरा कोड क्या है मुरली में से ढूंढ के निकालो, मेरा कोड वर्ड कौन सा है, मुरली की कौन सी पॉइंट से मेरी आत्मा जागृत होती है, मेरे दिव्य शक्तियां उभर कर आती है, मेरी पावर्स बाहर निकलती है, स्पिरिचुअल पावर्स अभी एक्टिवेट हो जानी चाहिए। बाबा ने कहा नॉलेजफुल सब हो गए, ज्ञानी इतने सब हो गए ना, बस सब पावर हो। देविया मीन्स पावर, ऐसे ही तो पूजा नहीं होगी। अच्छा स्पीच किया उसकी पूजा नहीं होगी, सॉरी भाई इसने बहुत अच्छा भाषण किया, पूजा नहीं जाएगा आपको। पूजा किसको जाएगा, मंदिर में किसको रखा जाएगा, इसमें पावर होगी। स्लोगन, वान प्रस्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वान प्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन। आज का ये है ना स्वमान, आज का स्वमान है मैं सर्व गुणों से श्रृंगारी दिव्य मूर्त पाओ, मैं सर्व गुणों से श्रृंगारी दिव्य मूर्त, दिव्यता बहुत सुंदर शब्द, पावर है तो दिव्यता, स्पिरिचुअल पावर रूहानियत है तो दिव्यता, ये छलकेगी। अब देखो जो इतने बड़े बड़े हमारे धर्म स्थापक हो गए ना, उनमें भी वो दिव्यता छलक की। गुरु नानक का फोटो देखो, क्राइस्ट का फोटो देखो, अच्छा एक अभी पहले सिद्धि स्वरूप का बाप दादा का महावाक्य हम सुनते हैं, फिर थोड़ा चर्चा करें। सिद्धि स्वरूप स्टेज क्या है, पावरफुल स्टेज क्या है, बाबा का वीडियो हम देखते हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथारथ विधि कहेंगे, कहेंगे समय दीवार गति अपनी समय प्रति समय दिखा रहा है, अनेकता आधार तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है।
आवश्यक। नंबर आगे बढ़ने का आधार है। मेरी योगी बढ़ने की सहज विधि तो बाप दादा ने क्या देखा? समय पर विनियोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते आपके चर्चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते। चेतन में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यादगार चला सिद्धि वाले नहीं विधि से सिद्धि वाले। सुना क्या करना? बाबा कहते सुना क्या करना है? विधि से सिद्धि योग का प्रयोग करो। नॉलेजफुल तो बहुत हो गए, अभी पावरफुल बनने का कोर्स करो। और ऐसी पावर बन जाए ना कि कोई भी आत्मा जो भी उसकी मनोकामना है, जो भी उसका प्रॉब्लम है, जो भी बात है, जो भी संकट है, जो भी समस्या है, उससे हम उसको मुक्त कर सके और फिर वो आत्माएं अपना अनुभव शेयर कर, हाँ हम फलाने के पास गया ना, हमको देवी का साक्षात्कार हुआ, देवी का अनुभव हुआ। और सारी देवियां ओके, एक नहीं, दुर्गा, अम्बा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, सारी शक्तियां मेरे अंदर। नव दुर्गा का स्वरूप बन जाए। ऐसे फ्लो होते रहे एनर्जी, जो आए जो मांगे, एक को प्रेरणा दे, एक को शक्ति दे, एक को वरदान दे। भाई वो आत्मा हमारे सामने आई तो उसकी लाइट डिम थी और मेरे मिलने के बाद उस आत्मा की बैटरी चार्ज। दादी हमेशा कहती थी रोता हुआ आया और हंसता हुआ जाए। ऐसे उसके कान में हम ऐसे टोटका दे दी। ज्यादा ज्ञान का विस्तार अब नहीं करना, लेकिन ज्ञान को स्वरूप में लाकर, इसलिए बाबा ने कहा ना पहले खुद को शक्ति का कोर्स कराओ, खुद एक्सपेरिमेंट करो कि हाँ मेरी स्थिति अचल अडोल रह सकती है। और ये फैक्ट है कि आपने जो पेपर क्रॉस किया होगा और जिस पेपर में आप विजयी हुए होंगे ना,
वैसे ही टाइप की आत्माएं आपके पास आएंगे सिद्धि लेने, अट्रैक्शन अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए हम बोलते ना फलानी देवी ये चीज में स्पेशल है, फलानी देवी ये चीज में स्पेशल है। हर एक देवी का अलग अलग स्पेशलिटी, जो दुर्गा हम कहते हैं भाई दुर्गुणों का नाश करती है, वैष्णव देवी प्यूरिटी की देवी, उमा देवी उमंग उत्साह की देवी। क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि वो उस चीज का शक्ति स्वरूप बने, उन्होंने वो लाइफ में अपने वो शक्ति बिल्टअप की। तो अब जो बाबा हमसे सेवा कराना चाहता है वो इस रूप की सेवा कराना चाहता है कि जिस चीज में आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिस चीज में आपकी मास्टरी होगी, जिस चीज पर आपने अपने अंदर बैठ करके काम किया होगा और वो शक्ति बिल्ट अप की होगी, वो हर एक अपना चेक करे मैं कौन सी देवी बनने के लायक हूं। मेरे जीवन में क्या क्या पेपर्स आए, सब बैठ के नोट करना, आज पेपर पेन लेके बैठे होंगे सब, कैसे पेपर्स क्रॉस किए मैंने और उन पेपर्स में से जीत कैसे पाई, कौन सी शक्ति मैंने बाबा की कौन सी विधि उपयोग में लाई। रास्ता है ना, इस रास्ते से चलो, इस विधि से चलो तो ये मंजिल मिलेगी, ये सिद्धि मिलेगी, ये सफलता मिलेगी, ये विघ्न पार हो जाएगा, ये समस्या हल हो जाएगी। लोग भी हमारे पास आते हैं ना प्रॉब्लम्स देखकर के, बहन जी किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप हमको बताओ हम क्या करें। पर आप ही गुजरे नहीं होंगे, आपको ही अनुभव नहीं होगा, आपने ही अपना मार्ग क्लियर नहीं किया होगा, तो हम किसी और को मुक्ति क्या देंगे, हल क्या देंगे। तो हमारे पास वो क्यों आएगा, भगत हमारे द्वार पे क्यों आएंगे? तो ये देखो मेरी एक्सपर्टीज क्या है, मुझे और कौन सी विधियां अपनाने की जरूरत है, मुझे किस टाइप की देवी बनना है। क्योंकि ये नवरात्रि का टाइम चल रहा है, जागरण बोलते हैं, जागरण रात भर ये लोग जागरण करते हैं, उपवास करते हैं सिद्धियां पाने के लिए। बोलते हैं ये बहुत अच्छा टाइम होता है, तपस्या का टाइम, साधना का टाइम। इस टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि चारों तरफ सात्विकता का भी संसार में माहौल चल रहा है। तो ये सात्विक माहौल के अंदर हमारी आंतरिक दैवी शक्तियां उभर कर आ जाए, मंदिरों में पूजा हो रही है, बुला रहे हैं वो, आवाहन हो रहा है देवी शक्तियों। बाबा कहते तुमको पुकार सुनाई नहीं दे रही है, ये आवाज है। और समय की आवाज है। तो अपने आप को ना रूहानियत बाहर निकलने दो ना, जैसे बाबा कहते ना पांच तत्वों से पार, प्रकृति से पार ले आओ अपने को बाहर। वो थर्ड डायमेंशन में, वो फोर्थ डायमेंशन में, वो सेवेंथ डायमेंशन में ले जाओ। संसार बना है मेल शक्तियों से, पर रचना हुई है फीमेल शक्तियों से, क्रिएटिविटी हुई है फीमेल शक्तियों से। संसार का मैनेजमेंट चलता है मेल शक्तियों से, भाई टेक्नोलॉजी साइंस ये सब जो संसार की खोज है वो मेल्स करते हैं, वो अलग ताकत है। पर फीमेल पावर जिसको आत्मिक पावर कहते हैं, सॉफ्ट पावर कहते हैं, जिसमें हम बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना होती है, रचना का कार्य होता है,
हम सहयोगी बन सकते हैं, यज्ञ के सहयोगी बन सकते हैं। वो है देवियां, नहीं आदि में भी कहते थे ना भैया देवियां आ गई, कई बार तो टिकट भी नहीं लेनी पड़ती थी दादी। देखिए वो दिव्यता का अनुभव होता, गॉडलीनेस क्या होता है, ईश्वरीय पना क्या होता है, उस नशे में रहती। अब फिर बाबा चाहता है वैसा आदि सो अंत मेरा स्वरूप बन जाए, जगाओ बैठ करके अपने अंदर। मंदिरों में जाकर ना पहले शुरू शुरू में घंटियां बजाया करती थी सुबह सुबह, अब तो टाइम चेंज हो गया है। अब अपने अंदर बैठ के ना स्वमानो की बाबा ने कहा माला रटो रटो रटो, स्वमान से देवी शक्तियां जागृत होंगी। अरे स्वमान किसने दिया है मुझे, बाबा ने दिया हुआ, बाबा मुझे जगा रहा है, बाबा मुझे मेरा शेप बना रहा है, मेरा स्ट्रक्चर बना रहा है, नई दुनिया के लिए बाबा मुझे तैयार कर रहा है। फीलिंग क्रिएट कर। मुरली भी ना हम बहुत रूटीन में सुनते हैं, आया राम गया, बस मुरली की पॉइंट भी रिपीट कर, आज बाबा ने ये बोल दिया ये बोल दिया ये बोल दिया, शायद वो भावना ही खत्म हो गई यज्ञ में। तो बाबा ने कहा पावर की निशानी क्या, इतना सुंदर बाबा ने बताया पावर की निशानी क्या, निशानी निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। जो अहंकार करता है माना ये पावरफुल नहीं, दुनिया में हम सोचते अरे इसको ना अहंकार है क्रोध है पावरफुल है, सॉरी सॉरी वीक सोल्स, नम्रता है रूहानियत है सभ्यता है वो है पावर, निर्विकारी स्टेज है वो है पावर, निराकारी स्टेज है वो है प्योर पावर, देह भान का अंश भी न रहे। चेक करो आज भी बाबा ने मुरली में कितनी सारी बातें बताई, ये आंतरिक पावर है जो सामने ऐसे द्वार खोल देगा। बाबा कहते सतयुग में तुमको मेहनत थोड़ी करनी पड़ी, कुछ सीखने की जरूरत, आज बाबा ने कितना अच्छा बताया, बाबा ने कहा ये लोग साइंस के साधन सीखते हैं लेकिन वो साधन तुम्हारे काम में आए, तुम वहां जाकर के सीखोगे क्या, एरोप्लेन कैसे बनाना होता है भाई, इंजीनियरिंग क्या होगा, मकान कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन कैसे हो, ना ना ना, जो वीक सोल्स है ना वो ये काम करते हैं। समझ में आया, ये संसारी ज्ञान जो वीक सोल्स है ना वो लेते हैं। दोपहर कलयुग के बाद ये विस्तार चला एजुकेशन सिस्टम, वो भी एक बर्डन हो गया आज। सतयुग में तो एक बटन दबाया बस चल गया विमान, इतने कॉम्प्लिकेशन थोड़े होते हैं भाई, इधर उधर इधर ये बटन ठीक करो वो ठीक करो वो ठीक करो, लक्ष्मी नारायण ये करते बैठेंगे, वहां तो इंडिविजुअल हमारे विमान होंगे, छोटे बच्चे भी विमान चला सकते हैं, बस बटन दबाया चलेगा विमान। किस आधार पे पावर क्या है? अब चॉइस हमारा है, सेवाएं हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, ठीक है सीखो ना मना नहीं, पर जितना जरूरी है ना उतना ही सीखो। कईयों को बहुत सारे शौक होते हैं विस्तार में जाते हैं, सेवा के लिए जितने आवश्यक स्किल्स चाहिए
उतना टाइम अपना एनर्जी डिवोट करो, बाकी टाइम मिलता है आप अपनी साधना में लग जाओ, स्पिरिचुअल स्किल्स बिल्ट अप करो, स्पिरिचुअल शक्तियां बिल्ट अप करो, चेक चार्ट रखो। आज कल भी पापा ने कहा ना, अवस्था की चेकिंग कैसे होगी, निराकारी निर्विकारी निरहंकार, निराकारी होंगे तो श्रेष्ठता आएगी, चेक करो मेरे हर संकल्प में श्रेष्ठता है, बोल तो दिया भगवान ने, पर क्या मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ रहता है, मेरी वाचा में निर्माणता रहती है, क्या अहंकार शूटअप हो जाता है, तू ऐसा मैं ऐसा, मैंने किया तूने किया, हां जी का पाठ पक्का है, वाणी कैसी है, पावर मेरी वाणी में दिखाई देती है, मनसा तो दिखाई नहीं देती है, भी अंदर क्या संकल्प चल रहा है दिखता है किसी का, ना दिखेगा, वाणी तो दिखती है ना, कैसे बोल रहा है, जोश में आके बोलना, वीक सो। तीसरा बाबा ने कहा कर्म में निर्विकार दिखे, अगर निर्विकारी कर्म है मेरा, सेवाएं है, पुण्य का खाता बनता है, सेवा भावना हो, बाबा कहते हैं ओबीडियंस सर्वेंट हूं, और हम इतना अभिमान रखते हैं ये सेवा की वो सेवा की, यहाँ गया इस वीआईपी को मिला, विकार आ गया ना, सेवा में जेलसी है, तेरा मेरा है, अपना पराया है, अब तो बाबा ने जूम ही चालू कर दी सब जगह, कोई भी सेंटर के जूम में आप ज्वाइन हो सकते, बेहद मिला दिया ना बच्चों को, आदि स्वंत, अभी सेंटर की बाउंड्री रह गई, भाई आप बोलो हाँ भाई हम ये वाला जो बड़ा कलवा का जूम है उसमें हम ज्वाइन नहीं होंगे, हम ये जूम में ज्वाइन करें, कौन रोकेगा आपको, इसकी मुरली हमको नहीं सुननी। टीचर्स भी बेहद में आ गए, स्टूडेंट्स भी बेहद में आ गए, सारी बाउंड्री लाइन बाबा ने खत्म कर दी, सेवा के जो झमेले थे एक सेकेंड में कोरोना में ओम शांति हो, किधर रही बाउंड्री अब बताओ, नहीं तो डर लगता था ना भाई फलाने सेंटर में जाएंगे हमारी दीदी क्या बोले, तो बेहद में आ जाना ये है पावर, तो मनसा वाचा कर्मण, क्या मेरी पावरफुल स्टेज है, हर घंटे का चार्ट चेक करो, एवरी आवर अभी चेक होना चाहिए, मेरी मनसा कैसी है, श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, वाचा कैसे चली, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, जो ज्यादा बोलते हैं ना एनर्जी खर्च हो जाती, और कोई भी कर्म, मैं ये नहीं बोलती सेंटर, अभी तो सेंटर ज्यादा करके अभी लॉकडाउन जैसा ही चल, इतना कोई सेवाएं तो है भी, घर में भी रहते हो, सेवा भाव हो, लौकिक पना नहीं हो, गृहस्थी पना नहीं हो, आज तो बाबा ने कहा शरीर को भी एकदम अमानत समझ के चल, तो घर भी कैसे होना चाहिए, ट्रस्टी पना, ये है रियलाइजेशन, ये है जागृति, इससे पावर आती है, ज्ञान तो हम समझ लिए सभी, जागृति आ जाए
और बाबा ने ये भी कहा सदा काल रहे, हाँ निरंतर रहे, ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कल बोली, निरंतर रहे, अंतर ना आ जाए। भाई हाँ, हम जब मेडिटेशन करते ना सबको जागृति रहती है एकदम, मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ, मुरली सुनते हैं तो सबको नशा रहता है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, पर दिन भर मनसा वाचा कर्मणा, अमृत वेले तो स्वमान बड़ा अच्छा रहते हैं। आज हमने ये स्वमान का अभ्यास किया, तो नोटबुक्स लेके लिख के आते हैं ना रोज, कई ऐसे हैं ना, कईयों के नोटबुक भर भर के आते हैं, हर महीने आते हैं सेंट्री, यह रोज लिखते हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है पावर। पावर आती है रियलाइजेशंस, वो लाइट अंदर जानी चाहिए, वो टच होना चाहिए ईश्वर, तो पावर आएगी। और ये पावर आ गई ना तो मैजिक होना शुरू हो जाए, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं। जानकी दादी हमेशा कहती है मुझे बड़े बड़े काम करने, इतने सारे काम मैं बोलने जाऊंगी, कोई बोलेगा टाइम नहीं, कोई बोलेगा ये नहीं ठीक, कोई बोलेगा दादी वो नहीं, वैसे कितने मतभेद होंगे, कितने विचार होंगे। दादी कहती मैं क्या करती थी, अमृत वेले बैठकर के बाबा से शक्ति लेके उन आत्माओं को शक्ति का दान दे देती, कोई फलाना भाई है उसको ये सेवा करनी है, फलानी बहन है उसको ये काम करना है, पहले उसको पावर भर दे ना, कौन बोले फिर दादी को पावर ही आ गई, फिर बोलते थे अरे दादी ने फोन किया, हाँ दादी हाँ दादी, दादियों को कोई मना नहीं करता था, हम दीदियों को मना करते क्योंकि दीदियों में पावर ही नहीं, हम बोलते हैं स्टूडेंट सुनते नहीं, क्योंकि हम योगदान नहीं देते, वो पावर नहीं बढ़ते। वरना मजाल है कि कोई भगवान की सेवा के लिए हमको मना कर सके, पर उसको भगवान की फीलिंग ही नहीं पहुंचाई। अब वो फीलिंग क्रिएट करो और उनको पहुंचाओ, मुझे बाबा से वर्षा लेना है, आप ये सेवा करेंगे आपको भी बाबा का वर्षा मिले। अभी नई विधियां अपनाओ बाबा, एनर्जी से काम करो, दैवी शक्तियों से काम करो, वाचा से बहुत काम किया, कर्मणा से भी बहुत काम किया, बाबा ने बंद करा दी सब, अभी 100 से ऊपर तो गैदरिंग ही बंद। अभी बीच में ही चर्चा हमारी हो रही थी दिवाली में कैसे फंक्शन करना, पॉसिबल ही नहीं, 2 अक्टूबर भी देखो ऑनलाइन हो गया कार्यक्रम, वो भी एक पाठ था, भाग्य था। मैं कहती हूँ कर्मणा सेवा जिसने की, जिस भी तरीके से की, समय अनुसार उन्होंने अपना भाग्य बनाया। अब आप चाह के भी बोलो ना बहन जी अभी हमको सेवा दो, कहते भैया सेवा ही नहीं है, जब टाइम था तो आप आते नहीं, किया नहीं, चला गया वो भी पाठ। फिर वाचा सेवा का पाठ था, वो भी अभी खत्म होने को आया है, समझो अब तो जूम पे दीदियां ही क्लासेस करा रहे, भाई बहनों को कहाँ चांस मिलता है वर्कशॉप्स वगैरह करने, वो भी चला गया टाइम। अब ये टाइम नहीं खोना, ये टाइम है अपनी शक्ति भरने का टाइम, शक्तिशाली बनने का टाइम। ये टाइम भी खो दिया फिर आप बोलेंगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि पाठ अब एकदम चेंज होने वाला। अगर आप बाबा की मुरलियां देखो सुनो बारीकी से, क्लियर कट बाबा ने कहा, कोर्सेस तो बहुत करा लिए आपने लेकिन फोर्स का कोर्स नहीं हुआ है। अगर फोर्स का कोर्स होगा ना तो अंदर जो आत्मा है ना वो बाहर निकल कर आ जाएगी। से ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे ना तो कहते अरे हमको ये ब्रह्मा दिखता ही नहीं था, हमको क्या दिखती थी, वो शक्ति दिखती थी, लाइट दिखती।
अब हमारे द्वारा लोगों को लाइट दिखनी चाहिए, बाबा दिखना चाहिए। ये बाबा का कार्य है, ईश्वर का कार्य है। पावर होगा ना तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। सफलता होनी है, सफलता हुई पड़ी है। पावर होगा तो हमको कोई चीज की कमी नहीं होगी। कई है ना भाई बहने कहते हैं हमारे सेंटर में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। कारण क्या? पावर नहीं। देवियों के आगे लोग आकर के सब चीजें रख के जाते हैं, मांगना नहीं पड़ता है। मांगना तब पड़ता है जब पावर नहीं। फिर कंप्लेन करते हैं, अरे हमको कोई सहयोग देता नहीं है, हमारे सेंटर में भंडारी नहीं चाहे। पावर है ना तो भंडारा भंडारी भरपूर रहेगी, सोचना भी नहीं पड़ता। निशानी पावर है तो कोई हमको ना नहीं बोल सकता। देवियों के आगे सब झुकेंगे। वैल्यू रहे, समाज भी झुकेगा। हम कहते हैं अभी भी कोई कहते हैं अरे हमारे घर में तो अभी तक लोग एंटी हैं। मैं कहती हूँ कारण क्या? पावर नहीं। एंटी हो कैसे सकते हैं? बाबा कहते हैं ज्ञान आ गया पर समझ नहीं है, नॉलेज है, नॉलेजेबल नहीं बने हैं, विजडम नहीं आया किसके साथ कैसे चलना। बाबा कहते हैं नब्स पर खो, ये पावर है, डिसीशन मेकिंग पावर हो, निर्णय शक्ति हो, यथारथ शक्ति हो, परखने की शक्ति हो, इसके साथ कैसे चलना, इसके साथ कैसे रखना, ये पावर्स में आता है। विश्लेषण तो हम कर लेते हैं अष्ट शक्तियों का, इसके साथ समाना है, इसके साथ सहन करना है, इसके साथ विड्रॉ कर लेना है। ये आया व्यक्ति मुझे कछुए की तरह बन जाए, इसके साथ बैग बैगेज पैकअप कर ले। ये एप्लीकेशन ज्ञान, तुम्हारा बैग अपना, हमारा बैग अपना। भाई तुम्हारा जर्नी इधर उतरे हो, तुम इधर उतरने वाले हो, तुम्हारी बैग इधर रख दो। मैं हम ट्रैवलिंग में ऐसे ही करते ना, ये तुम्हारी बैग है, ये मेरी बैग। तुम इधर उतरोगे, मैं इधर उतरूंगा, सिंपल। बैग बैगेज पैक करो, अपना चेक करो, ये सब पावर्स प्रैक्टिकली मैं कहां अप्लाई कर रहा हूं। चार दिन तो हमने सुन लिया देवियों के बारे में, पर क्या सचमुच वो आठों शक्तियां मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई की हैं? अगर अप्लाई की हैं तो पावर बिल्ट अप हो, फिर कभी नाराज नहीं हो। कितना भी हंगामा हो जाएगा, कितना भी डिस्टरबेंस चलेगा, हमारी स्थिति गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि आठों शक्तियां मैंने यूज कर ली अच्छी तरह से। एक है समझ, दूसरा है शक्ति। कई बार हमको समझ होती है मुझे ऐसे सहयोगी बनना चाहिए यज्ञ का, पर शक्ति नहीं होती है। संगठन में रहना नहीं आता है तो हम किनारा कर लेते हैं सेवाओं से। तो सहयोग देना भी और सहयोग लेना भी शक्ति है, अष्ट शक्तियों में बहुत बड़ी शक्ति है।
किसी से मैं कैसे सहयोग लूं और किसी को मैं कैसे सहयोगी बनाऊं, इसमें सारे गुण आ जाए, सारी दिव्यता आ जाए, सारी देवियां आ जाए, लक्ष्मी भी बनो, दुर्गा भी बनो, अंबा भी बनो, काली भी बनो, सरस्वती भी बनो, जब तक सब देवियों का मिक्सचर हमारे में नहीं होगा ना, तो हम सहयोग दे और ले नहीं सकते हैं। संबंध संपर्क में आते हुए पता चले कहां किनारा करना है, कहां अंदर जाना है, कितना डिटैचमेंट हो, कितना इन्वॉल्वमेंट हो, दादी कहती है आधार और निराधार बैलेंस रखो, आधार भी देना है लेकिन किसी को डिपेंडेंट नहीं बनाओ, फिर निराधार हो जाओ, बाबा आप बाबा के हम बाबा के, अधीन हो गए उसके बिना हम ना चल सके, पावर खत्म। चेक करो, कोई भी चीज अति में जाएगी ना, पावर खत्म हो जाएगी। कोई भी चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अति में गया, पावर खत्म। तो अपनी सारी पावर्स को है ना अच्छे से चेक करो, पावर्स है तो सफलता है, हाथ लगाओ तो जैसे बोलते ना सोना बन गया, किंग मिडास की कहानी, जिसको छूता था ना सोना हो जाए, पावर है हाथों में, ऐसी पावर आ जाए। दादियां गुलजार दादी देखो, जानकी दादी देखो, प्रकाशमणि दादी देखो, लास्ट में तो खाली दादी आती थी ऐसे ऐसे हाथ करते, ठीक हो पावर, और वो सब हमारे सबके अंदर है, ऐसे नहीं सिर्फ दादियों में, सबके अंदर है, सिर्फ क्या है छुपी हुई है, तो बाहर निकाल। ओम शांति। 8:30 हो गए, एक क्लास में अभी ना देवी का एक गाना बजाती, सब देवी का एक वीडियो दिखा, दुर्गा का दिखा,